Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ सर अरसलान एक्सेलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक्सेलेंस आपके लिए लाया है ऑनलाइन ग्राफिक्स कोर्स। इस कोर्स की स्टार्टिंग हम करेंगे अडोबी फोटोशॉप से। अडोबी फोटोशॉप का आज हम देखेंगे इंटरफेस, उसके बेसिक्स देखेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है लैपटॉप की स्क्रीन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप से। तो फोटोशॉप में रन कर रहा हूँ। ओके, ये जो फोटोशॉप में यूज़ कर रहा हूँ ये फोटोशॉप CC 2015 क्रिएटिव क्लाउड। अच्छा, ये आपके सामने इस वक्त इंटरफेस शो हो रहा है फोटोशॉप का। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें टूल बार, ये प्रॉपर्टी बार कहलाती है, ऊपर मेन्यू बार, और अगर आप राइट साइड देखें तो ये पैनल्स को शो हो रहे हैं। बेसिकली ये कहलाता है एक वर्क स्पेस आपका, क्या आप किस वर्क स्पेस पे काम करते हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग एरिया कहलाएगा जहाँ पर आपका पेज होगा। और हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस बने बनाए यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसेंशियल, अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, क्लिक करने के बाद कुछ बने बनाए आते हैं। तो जैसा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप, तो फोटोशॉप नाम से ही एक फ़ोटो मतलब फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है ये। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि फ़ोटोग्राफी ऑन कर लेते हैं। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही समझाने के लिए फ़ोटोग्राफी पर क्लिक किया है, उसे सेलेक्ट किया है। अब करना ये है आपने कि अगर मैं यहाँ से ये सारे पैनल्स को ख़त्म कर दूँ, ख़त्म कैसे करेंगे, ये कुछ साइन नज़र आ रही है आपको एरो की, इसे मैंने क्या करना है, इस वक्त मैंने ये हाइड कर दिया। अगर मैं इसे शो करूं, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये फुल थंबनेल में शो हो जाएंगे। यहाँ पर टूल बार है, इसे भी मैं डबल कॉलम में कर सकता हूं। अब मैं ज़्यादा, आज की क्लास ज़्यादा लेंथी तो नहीं होगी, मतलब इतना कुछ मैं आपको इस क्लास में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लिहाजा इतना करूँगा कि आप स्टार्टिंग ले सकते हैं जैसा मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। अब करना ये है कि मैं ये जो जितने भी पैनल्स हैं मेरे पास, अब इस पर हमारा कोई काम फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेयर है, लेयर चैनल्स पाथ्स, हमें करना है लेयर्स। सिर्फ इस लेयर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे मैंने बाहर निकाल दिया। कैसे करना है एक बार फिर देख लें। इसे दोबारा मैं क्लिक को होल्ड करूंगा और इस पैनल में लाकर क्लिक को छोड़ दूंगा। ठीक है ना, करना क्या है कि लेयर्स के लेयर लेयर सिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक को होल्ड करना है और इसे ड्रैग करते हुए बाहर आना है और आकर क्लिक को छोड़ देना है। तो ये क्लिक रिलीज़ करेंगे आप तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा जो काम होगा बेसिकली वो लेयर्स पर चलेगा यहाँ पर। तो ये जितने भी टूल्स हैं ये हमारे, ये जितने भी पैनल्स हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, तो लिहाजा इसे मैं बंद कर लेता हूँ, क्लोज कर दूँ। देख रहे हैं आप, ये पैनल हमारे काम के नहीं है। तो मैं नहीं चाह रहा कि ये स्क्रीन पर रहें और आपको डिस्टर्ब करें। देख सकते हैं आप, अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि लेयर्स के साथ साथ एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें चैनल्स पाथ्स ये ऑप्शन मौजूद थे। तो अगर मुझे वो दोबारा चाहिए, मैं चाह रहा हूँ इसका जो सेट था वो डिफ़ॉल्ट ही रहे, मैं उसे ख़त्म ना करूँ, तो अब वो कहाँ से आएगा। मैंने सारे जो पैनल्स है वो सारे मैंने ऑफ़ कर दिए। अब उसे लाने के लिए हम आएँगे विंडोज़ में। विंडोज़ में आने के बाद सारे पैनल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको चैनल्स मिल जाएंगे। करना क्या है, आपने चैनल्स पे क्लिक करके होल्ड किया आपने और इस पैनल में आके इसे क्लिक को रिलीज़ कर दिया आपने। ठीक है, विंडोज़ में आ जाएं। विंडोज़ में आने के बाद विंडो में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पाथ्स, ये सेम तरीका, क्लिक को होल्ड कर रहे हैं। क्लिक को होल्ड करते हुए
यहाँ पर आके क्लिक को रिलीज़ कर देंगे, आप ये एक आपका ग्रुप सेट बन जाएगा। अब इस हेडर के साथ जहाँ पर ये एरो बना हुआ है इसी के बराबर में ये फ्री स्पेस नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने क्लिक को होल्ड करना है और इसे मूव करते हुए यहाँ पर आके आप देख रहे हैं ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये इस वक्त फिक्स हो रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक को रिलीज़ कर दिया, क्लिक को छोड़ दिया, ये फिक्स हो गया। लिहाजा ये तरीका होता है कि आपको अपना वर्क स्पेस सेट करना है और इसे बनाना है। जितने भी आप बहुत सारे विंडोज़ हैं आपके पास, मतलब विंडो में आपके इस तरीके से आप सेट करना है, आपके पास विंडो में बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो अब करना ये है हमें कि ओवरव्यू दे दूँ ज़रा मैं आप लोगों को कि बेसिकली करना क्या है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम आते हैं फाइल में, फाइल में आएंगे, फाइल में न्यू, तो न्यू पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आप आपकी जो लेयर है इसे आप नाम दे दें एक, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पर एक्सीलेंस ऑनलाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट फोटो साइज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएस पेपर, इंटरनेशनल फ़ोटो, वेब, मोबाइल एंड डिवाइस, फिल्म एंड वीडियोस, फिर कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, हमें आप कोई भी साइज़ ले रहे हैं कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर हम फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो जो फ़ोटो पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर फ़ोटो का सबसे पहले आपको ये साइज़ बता रहे कि फ़ोटो में आपके पास जो साइज़ है वो 2x3 है। यहाँ पर अगर आप एरो पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है जहाँ पर आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के साइज़ मिलेंगे 2x3, मतलब 2x3, 4x6, 5x7, इस तरीके से आपको बहुत सारे साइज़ मिलेंगे। और यही साइज़ अगर आप इसे इन्वर्स कर दें, मतलब इसे उलट दें, तो आपको पोर्ट्रेट में भी यही साइज़ मिलेंगे। अगर आप नीचे देखें तो इस पोर्ट्रेट में भी आपको यही साइज़ मिल रहे हैं, बस फ़र्क इतना है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। अब लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या है, हमारे पास जो सीसी फोटोशॉप 2015 है, इंशाल्लाह अब जो हम शुरू करेंगे 2019 से स्टार्ट करेंगे, तो इंटरफेस में कुछ फ़र्क होगा, कुछ डिफरेंट होगा, तो आप लोगों को बता दूंगा मैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा एडवांस है, ये फ़र्क होगा। तो लिहाजा तो मैंने यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करना है, कोई भी साइज़, और अब नीचे आते तो यहाँ पर ये शो कर रहा है आपको विद एंड हाइट। तो आप साइज़ देख रहे हैं, साइज़ देखने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इंचीज़ में शो हो रहा है ये, आप इंचीज़, वैसे हमें इंचीज़ में ही काम करना है फ़िलहाल। तो यहाँ पर है कुछ पिक्सल्स, तो पिक्सल्स में आपको फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा कुछ पिक्सल्स के बारे में नहीं बता रहा, इंचीज़ में ही हम काम करेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर पॉइंट्स इस पर हम काम फ़िलहाल तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम काम कर दें इंचीज़ पर, ठीक है। इंचीज़ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अब नीचे जब देखें आप तो यहाँ पर है रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पर शो हो रहा है 300। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, या तो आप 300 कर दें या फिर 72 कर दें, 72, या तो 300 या तो 72। बेसिकली होता क्या है, अगर आप ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं तो आपकी रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच रहेगी आपके पास, ये अगर आप ऑन स्क्रीन, मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल डिवाइस पे काम, यहाँ अगर आपने प्रीसेट्स में देखा होगा तो यहाँ पर आप वेब देख रहे हैं, ये ऑन स्क्रीन काम हो रहा है, मोबाइल एंड डिवाइसेस ये ऑन स्क्रीन काम हो रहा है, फिल्म एंड वीडियो ये ऑन स्क्रीन काम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर बात करते हैं इंटरनेशनल पेपर तो ये आप प्रिंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम प्रिंट में आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपने अगर आपको कोई काम प्रिंटली करना है, मतलब उसे आपको हार्ड कॉपी में उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, 72 नहीं, फिर आप कर देंगे रेजोल्यूशन 300। अगर आपको कोई काम प्रिंटली करना है तो आप करेंगे 300, लेकिन अगर आपको ऑन स्क्रीन काम करना है तो फिर आप पिक्सल 72 ही रखेंगे। और याद रखें कि यहाँ पर आपका जो काम होगा वो पिक्सल्स में होगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पिक्सल्स, इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे पिक्सल्स में, ठीक है। ये फ़िलहाल मैं आप लोगों को इतना नहीं उलझा रहा, बस आप इंचीज़ कर दें यहाँ से, मैं रेजोल्यूशन सामने आया तो मैंने आपको कहा कि इसकी डिटेल बता दूँ मैं। खैर, आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच, इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन एक इंच के बॉक्स में, अगर आप एक इंच का बॉक्स बनाते हैं तो एक इंच के बॉक्स के अंदर 300 रेजोल्यूशन मतलब 300 पिक्सल्स एक इंच के बॉक्स में आएंगे। नीचे आपके पास मिलते हैं कलर मोड, कलर मोड आपके पास यहाँ पर बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई, लैप कलर। हम या तो यूज़ करेंगे आरजीबी या यूज़ करेंगे सीएमवाई के कलर, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आरजीबी है, मैं कहूँगा कि आप इसे ना छेड़ें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बिट कलर है, बिट कलर तमाम डिवाइसेस जो सपोर्ट करती है वो 8 बिट कलर को, बिट कलर क्या है ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें अभी फ़िलहाल मैं आपको इस चीज़ में नहीं उलझा रहा। तो बस आप ये याद रखें कि आपने 16 या 32 बिट नहीं करना, 8 बिट करना है। उसकी वजह ये होगी कि अगर आप 8 बिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं, 16 कर देते हैं, 32 कर देते हैं, तो मैं भी कि आपकी कोई फाइल या आपने कोई एडिटिंग पिक्चर की है, किसी पिक्चर एडिट की है, तो वो अदर डिवाइसेस, किसी डिवाइसेस पे नहीं चलेगी, नहीं रन होगी, नहीं प्ले होगी, तो आपको ये इशू समझ नहीं आएंगे। तो लिहाजा आप 8 बिट करें, क्योंकि तमाम डिवाइसेस जो है 8 बिट सपोर्ट कर लेती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड कलर पर आते हैं, तो बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स लिखा हुआ है, जहाँ पर आपने वाइट है, वाइट के साथ बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से आप कोई कलर कर दें। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो इसे भी मैं यही कहूँगा कि आप ना छेड़ें, आपने वाइट करना है सिर्फ। एडवांस में आते हैं, तो एडवांस में कुछ अपने कुछ ऑप्शंस दे रही है, जिसमें आपको रेशो मिलेंगे कुछ स्क्वायर पिक्सल्स, ये भी हम फिलहाल इसे छोड़ देंगे जब हम यहाँ पर जब हम फिल्म या वीडियो पर काम करेंगे। फिलहाल तो इसमें नहीं होगा, बहुत उसके लिए हम प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, तो तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो बहरहाल एडवांस को भी हम रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल नेम लिखा था, एक्सीलेंस ऑनलाइन, कस्टम साइज दे दिया मैंने 7x5, रेजोल्यूशन 300, बाकी इंचज में रखा हुआ, यहाँ से मैंने कर दिया ओके, दैट्स इट, ये आ गया। अब ये आपका वर्किंग एरिया मतलब वर्किंग पेज है, ठीक है। अगर आप में से कोई यूजर्स इलस्ट्रेटर यूज करते होंगे, तो आपके पास जो आर्ट बोर्ड था, वहां पर आर्ट बोर्ड कहलाता है, आपके पास जो आर्ट बोर्ड था वहां पर आप वर्किंग एरिया पर भी काम कर सकते थे, पर यहां पर इस तरह नहीं होता। बहरहाल मैंने ये विंडोज बटन के बराबर में एक फ्री स्पेस आ रहा है, यहां से मैंने क्लिक को होल्ड करना है और इस विंडो पर आके ये ब्लू स्क्रीन इंडिकेट कर रहे हैं, ब्लू बॉर्डर्स, इसे मैंने क्लिक को रिलीज कर दूंगा तो ये स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। अब जैसा कि ये वाइट के बराबर में अगर आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक एरिया आ रहा है, ये आपका वर्किंग एरिया नहीं, इलस्ट्रेटर के अंदर ये आपका वर्किंग एरिया था, यहाँ पर ये आपका ब्लैंक एरिया है। मतलब ये है कि आपका काम इस पेज के बाहर, इस पेज के बाहर आपका काम नहीं होगा, ठीक है भाई। अब करना ये है कि अगर मैं कुछ डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो फिलहाल तो आप शेप्स सब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, तो मैं सिंपल एक शेप बना रहा हूँ, सिंपल एक शेप बनाया इसे मैं, ठीक है ना। और अब करना ये है कि मैं इसे मूव करता हूँ, मूव करके मैं अगर इसे बाहर लेकर आऊँ, आप गौर करें कि ये बाहर शो नहीं हो रहा, ठीक है, ये बाहर नहीं आ रहा। तो लिहाजा मतलब आपका जो काम होगा वो आपके इस पेज पर होगा, जिस पेज का हमने नाम रखा था एक्सीलेंस ऑनलाइन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारे पास कुछ ट्रे बने हुए सेपरेटली, ये कुछ सेपरेटर लगे हुए हैं यहां पर कि ये एरिया अलग है, मतलब टूल बार में ये एरिया अलग शो हो रहा है, फिर ये एरिया अलग शो हो रहा है, तो लिहाजा हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। तो कुछ बता दूं मैं, जैसे कि मैंने यहां पर ये शेप लिया है, तो फिलहाल मैं इस शेप के ऊपर काम नहीं कर रहा, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने यहां पर शो किया था लेयर, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर दूं, लेयर्स शो किया था। तो आपके पास मैंने कहा था कि हम लेयर्स में काम करेंगे, तो यहाँ पर लेयर्स मैंने शो किए। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको ये M, मतलब ये है कि अगर आप कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर अगर इसके अंदर आप एलिप्टिकल मार्की लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि अब भी इसकी शॉर्टकट M ही रहेगी, कि आपने M प्रेस करना है
तो आपके पास एलिप्स मार्क आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं तो आपके पास रेक्टेंगल मार्क आ जाएगा, शॉर्टकट एम ही रहेगी, एम, ठीक है। इसके बाद सिंगल रॉ, फिर सिंगल कॉलम, ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर दूं कि ये रेक्टेंगल पे रखा हुआ था। ये बेसिकली सिलेक्शन है, ये टूल सिलेक्शन टूल है, ठीक है ना, ये भी एरिया सिलेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक को होल्ड करके, मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये सिलेक्शन टूल जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे एरिया है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, बल्कि करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ। अब मैं चाह रहा हूँ जिस तरीके से मैं एलस्ट्रेटर में, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो एलस्ट्रेटर का यूज करना चाहते हैं, या एलस्ट्रेटर नहीं, अदर सॉफ्टवेयर जैसा कि फ्री हैंड, कॉरल ड्रॉ, जिन्होंने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं किसी भी, तो वहां पर हम क्या करते थे कि सिलेक्शन जब कर रहा होता था मैं, तो हम क्या करते थे इस तरीके से सिलेक्शन एक रेंज में लाते थे, इस बॉक्स में आ गया। जैसे मैंने इस क्लिक को रिलीज कर, क्लिक को छोड़ा, तो क्या हो गया, ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट हो गए। तो फोटोशॉप में इस तरह नहीं होता, फोटोशॉप सीसी 2015 में इस तरह नहीं होता, आगे की जो वर्जन है उसमें इस तरह होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप इस मूव टूल के जरिए इस तरह आप ड्रैग करेंगे, देखिए ये मूव नहीं हो रहा, इस तरह मैं ड्रैग करूंगा तो बाकायदा ये सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल सेलेक्ट करना है कि अब देखें, अब जरा यहां पर गौर करें कि मुझे ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मैंने यहां पर रेक्टेंगल से ऑब्जेक्ट बनाए, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे मूव करूं, इस वाले को मूव करूं, आपको नजर आ रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है मुझे। तो मूव करने के लिए जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्लिक तो मैं यहां पर कर रहा हूं लेकिन मूव ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसीलिए कि सेलेक्ट, अगर आप यहां पर देखें लेयर्स में, इसे मैं ऑफ कर दूं, अगर आप यहां पर देखें लेयर्स में, तो यहां जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो कुछ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 5 यहां पर नाम आ गए और रेक्टेंगल बने हुए आ गए। करना यह है कि मुझे यहां से जो भी रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है पहले उसकी लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां से, अगर मुझे रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट करना था तो मैं रेक्टेंगल 1 पर आऊंगा और उसके बाद में इसे मूव करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहीं पर क्लिक करूं, यह कर सकता हूं कि मैं यहां पर क्लिक करूं, मैं यहां पर क्लिक करूं, मैं यहां पर क्लिक करूं, मैं कहीं पर भी क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब करना यह है कि मेरे पास रेक्टेंगल 2 है तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया, फिर रेक्टेंगल 3 है, अब इसमें मुझे सेलेक्ट करने में, ये तो 5 है समझ आ रहे हैं, अगर इस तरीके से 5 नहीं 10 हो, 100 हो, अब मैं क्या करूंगा, नहीं तो सिंपल तरीका है मेरे पास, शॉर्टकट इसकी क्या है, विचारों में यहां पर क्लिक करूं रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट हो जाए, यहां पर क्लिक करूं रेक्टेंगल 4 सेलेक्ट हो जाए, यहां पर मैं क्लिक करूं, मतलब जहां जहां मैं क्लिक करूं वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। इसकी शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल प्लस क्लिक, कि आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप लेयर्स के ऊपर गौर करें, अपनी नजरें यहां रखें, और अब देखें जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें, ये देखें, तो लेयर्स ऑटोमेटिक जंप कर रही है। अच्छा, ये तो इसकी शॉर्टकट थी, अच्छा इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आप प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या करना है, ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखें भाई कि जिसे चाहूं मैं इजीली मूव कर सकता हूं, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे अब आते हैं रिसाइज पर, कि भाई ये सारे जो है साइज, इसका साइज काफी बड़ा है, इसका साइज छोटा है, अब क्या करना है। तो जब इसी के हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसे भी शो कर लूंगा, ये शो हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसे रिसाइज कर सकता हूं, जैसे मैंने इसे ऐसे फोर फिट कर लिया और इसे मैंने इसके बराबर रिसाइज कर दिया, ठीक है। रिसाइज करने के बाद यहां पर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा और फिर किसी और को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इसे भी मैं रिसाइज करूंगा, हो गया, चेक लगाया, यहां सेलेक्ट किया मैंने, इसे ऊपर रखा और फिर रिसाइज, ठीक है, एक्सेप्ट किया, यहां पर आ गया, इसे मैंने ऊपर रखा और फिर रिसाइज किया। अच्छा, तो मैं अब इसे
चारों कॉर्नर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स करने के बाद ये लास्ट हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि अब मैं स्टेप बाय स्टेप सबको सेलेक्ट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया आपको शो ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली हम इसके आगे प्रॉपर इसकी की समझेंगे। फिलहाल ये सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टी बात समझा रहा था, अब इसका कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि आप सबसे पहले जब न्यू पेज लिया, न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर नाम है, हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। आप चाहें तो ये नाम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब बाद में भी नाम लिख सकते हैं अपना। इसके बाद कस्टम साइज, मतलब आप बने बने साइज ले लें या फिर अपनी मर्जी से कोई साइज सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम आते हैं रेजोल्यूशन पर। मैंने आपको बताया था कि प्रिंट लेआउट डीपीआई और पीपीआई का मैंने आपको इसमें फर्क बताया था, डिस्प्ले पर इंच और पीपीआई पिक्सल्स पर इंच पर हमें किस तरह काम करना है। करना यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी साइज सेलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताया और फिर आपने कर लिया यहाँ पर आके ओके। ठीक है, तो ये आपका पेज आ गया। इस पेज को मैंने विंडो पर फिक्स किया। ठीक है, फिक्स करने के बाद ये आपका पेज ही, मैंने बताया कि जितना भी काम होगा हम अपने पेज पे करेंगे। यहाँ पर वर्किंग एरिया जो है आपका, जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, सिंपल जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, जिसे कहते हैं बेसिक शेप्स। यहाँ पर जो बेसिक शेप्स मौजूद है, इसमें रेक्टेंगल टूल है, शॉर्टकट इसकी यू है। तो मैंने फिर यहाँ से रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल को ऑटो सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, ऑटो सेलेक्ट के ऊपर चेक लगाया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म शो करने के लिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ऊपर मैंने चेक लगाया, जो भी हटा रहा हूँ ये मैंने सीखा। इसके बाद हमने मूव करना, मूव की शॉर्टकट क्या बताया मैंने आप लोगों को, कंट्रोल प्लस क्लिक। ठीक है, हमें काम करना था लेयर्स में, सिर्फ लेयर्स का पैनल हम शो रखेंगे, बाकी चैनल मार्क्स वगैरह एक ग्रुप था इसलिए मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसे मैंने हटाया नहीं। तो हमारा काम था लेयर्स में, तो मैंने लेयर्स में काम किया। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास सिर्फ एक ओवरव्यू था, तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया फोटोशॉप का। बाकी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे ये ऑप्शन सारे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम टूल सीखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। अपना जब तक ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।